वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, होप यू आर फिट, फाइन एंड सेफ एट योर प्लेसेस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद टुडेज टॉपिक। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, राइट। पहले मैं आपको थोड़ा सा इन जनरल सेंस में इसका मतलब समझाऊंगा, इसके कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, फिर उसके बाद इसके दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे, राइट। अब देखिए, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है दो वर्ड्स से मिलकर बना है, स्ट्रैटेजी प्लस मैनेजमेंट। अब देखिए, समझ लेते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होती है। स्ट्रैटेजी शब्द हम बहुत बार पहले भी सुन चुके हैं, और जी हाँ, इसका यहाँ भी वही मतलब है इस सब्जेक्ट में। स्ट्रैटेजी बेसिकली एक एक्शन प्लान होता है या प्लान ऑफ एक्शंस होते हैं, जिससे हम लोग अपने विजन्स को पा सकते हैं, अपने गोल्स जो भी हमने डिसाइड कर रखे हैं उनको हम अचीव कर सकते हैं, राइट। स्ट्रैटेजी एक एक्शन प्लान है जिससे मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूँ, क्लियर है। तो स्ट्रैटेजी क्या है? एक प्लान है। अब मान लीजिए हम लोग क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तो हम एक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करेंगे, उसके बाद हम अपना जो गेम है उसको शुरू करते हैं, और तब हम जीतते हैं, और वो होता है हमारा एंड रिजल्ट, राइट। तो यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में भी स्ट्रैटेजी का यही मतलब है। स्ट्रैटेजी एक एक्शन प्लान होता है, प्लान ऑफ एक्शन होता है, जिससे कि हम लोग अपने डिजायर्ड विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं, क्लियर हो गया। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बेसिकली एक ऐसा टूल है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं स्ट्रैटेजीज को। अब ये स्ट्रैटेजीज को हम आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब क्यों कर रहे हैं? जस्ट टू अचीव बेटर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब कुछ ऐसा जो आपके कॉम्पिटिटर के पास नहीं है और उससे आपको एज मिल रहा हो। मान लीजिए कोई भी चीज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको प्रोवाइड करेगी, तो आपको उसके बदले हायर प्रॉफिट मिलेगा देन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ऑल द कंपनीज इन द इंडस्ट्री। जितना भी बाकी कंपनीज का एवरेज आ रहा होगा, उससे आप कुछ ना कुछ ज्यादा ही कमाएंगे। अब ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको किससे मिलेगा? आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज से मिलेगा, क्लियर है। अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है? उसको स्वॉट एनालिसिस करनी पड़ती है। स्वॉट बेसिकली रिफर्स टू स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, ठीक है। अब स्ट्रैटेजिक जो मैनेजर है वो क्या करेगा? ही विल मेक बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द स्ट्रेंथ्स ऑफ द कंपनी, जो भी कंपनी की इंटरनल स्ट्रेंथ्स हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ हमेशा इंटरनल एनवायरनमेंट से मिलती है, मतलब कंपनी के अंदर ही कहीं वो होती हैं स्ट्रेंथ्स, और बेसिकली वीकनेसेस हमारे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, या इंटरनली हम इसको अपनी कंपनी में आइडेंटिफाई करते हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजर का काम ये होता है कि वीकनेसेस को वो मिनिमाइज करे और अपॉर्चुनिटीज का वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करे, साथ ही साथ थ्रेट्स को इग्नोर ना करे, उनके लिए कुछ ना कुछ प्रोविजंस उसके पास रेडी रहने चाहिए। तो ये तो कुछ काम हो गए स्ट्रैटेजिक मैनेजर के, राइट। अब बेसिकली ये देखते हैं कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है। देखिए, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट स्पेसिफाइंग योर विजन, योर मिशन एंड योर ऑब्जेक्टिव। आपका पहला जो स्टेप होगा वो यही होगा कि आप डिस्क्राइब करेंगे कि आपका आपकी कंपनी का मिशन, विजन और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उसके बाद आप इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करेंगे। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के बाद आप स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करेंगे, और फिर उसके बाद आप इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल करेंगे। इवैल्यूएशन ऑफ एंड कंट्रोल हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम एक डायनेमिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। डायनेमिक एनवायरनमेंट में चेंजेस आते रहते हैं, चाहे हमारे इंटरनल चेंजेस हों या चाहे एक्सटर्नल चेंजेस हों, क्लियर हो गया। स्ट्रैटेजी जो है बेसिकली कंपनीज में, बिजनेसेस में, जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं, उसका यही मतलब होता है, ठीक है। तो ये तो मतलब था, ये दिस वॉज जस्ट द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी, ठीक है। लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है एक ब्रांच है, मैनेजमेंट का ही एक ब्रांच है, विच इज कंसर्न्ड विद डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक विजन, ठीक है। आप पहले ही एक विजन बना लेंगे कि आपको ये अचीव करना है, उसके बाद आप छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, जिन ऑब्जेक्टिव्स की हेल्प से आप उस विजन तक पहुंचेंगे, क्लियर। वंस यू हैव फॉर्मुलेटेड योर ऑब्जेक्टिव्स, आफ्टर इट यू विल बी फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजीज। आप स्ट्रैटेजीज को बनाएंगे और उनको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। वंस यू आर डन विद दिस ऑल्सो यू हैव टू टेक करेक्टिव एक्शंस,
ये करेक्टिव एक्शंस जो आप लेंगे वो सिर्फ और सिर्फ डेविएशंस की वजह से लेंगे, कि आपके प्लान में किसी भी तरह का डेविएशन तो नहीं आया है, ठीक है। ये सब मैंने क्यों किया? टू रीच द स्ट्रैटेजिक इंटेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी करना क्या चाह रही है, ठीक है, उसको अचीव करने के लिए बेसिकली मैंने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को अपनाया है। क्लियर हो गया? तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के दो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये है टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कोई भी कंपनी लेके क्या करेगी? इट विल डोमिनेट द इंडस्ट्री। उसके पास बेसिकली एक एज है जिससे वो डोमिनेट कर सकती है इंडस्ट्री को, और साथ ही साथ वो गाइड कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन को जस्ट टू सर्वाइव इन दिस डायनेमिक बिजनेस एनवायरमेंट, ठीक है। अब बिजनेस एनवायरमेंट जो है डायनेमिक है, मानते हैं हम, चेंजेस हमें लाने पड़ते हैं हमारे इंटरनल मैनेजमेंट में भी, और एक्सटर्नल में भी चेंजेस आते रहते हैं। तो इंटरनल बेसिकली एनवायरमेंट क्या होता है? जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है। वी सी चेंजेस इन द बिजनेस पॉलिसीज। बहुत बार हमें बिजनेस की पॉलिसीज प्लान्स को चेंज करना होता है, उसके हिसाब से कंपनी को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कंपनी को एडजस्ट करने के लिए कौन उसकी हेल्प करेगा? स्ट्रैटेजीज करेंगी। क्लियर है? और साथ ही साथ हमारे प्रोसीजर्स प्लान्स जिसमें भी चेंज आ रहे हैं इंटरनल एनवायरनमेंट में। वंस वी आर डन विद द इंटरनल एनवायरनमेंट, चेंजेस हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी आते रहते हैं, क्योंकि बेसिकली ये क्या है, आफ्टर ऑल है तो डायनेमिक एनवायरनमेंट, राइट। अब गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज चेंज होती हैं जो डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं हमारे बिजनेस को, या फिर कॉम्पिटिटर्स के कुछ ऐसे मूव्स होते हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, और साथ में ही चेंज इन कस्टमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस आल्सो अफेक्ट्स आर स्ट्रैटेजीज आर प्लान्स, ठीक है। तो एक चीज तो गाइस क्लियर कर लीजिए कि स्ट्रैटेजी क्या होती है, एक तरह का प्लान होता है, क्लियर। तो आज के इस सेशन में बेसिकली हमने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की मीनिंग समझी, उसका कंसेप्ट समझा, उसके डेफिनेशंस को समझा, और उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स को हमने हाईलाइट किया। क्लियर है गाइज? सो वी आर जस्ट डन विद द सेशन गाइज। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।